किसी भी निर्देशक का सपना रहता है कि रजनीकांत को लेकर कमर्शियल फिल्म बनाई जाए। रजनीकांत के रूप में उसे ऐसा कलाकार मिलता है जिससे वह जो चाहे करवा सकता है, क्योंकि रजनीकांत अगर मगर किंतु परंतु जैसे तर्कों से परे हैं। लेखक और निर्देशक पी रंजीत ने कबाली में यह सुनहरा अवसर बर्बाद कर दिया है। आश्चर्य होता है कि रजनीकांत को लेकर कोई इतनी खराब फिल्म भी बना सकता है। उड़ने के लिए उनके पास खुला आसमान था, महानायक, बड़ा बजट और रजनीकांत के अनगिनत फैंस। इसके बावजूद वे उड़ान भी नहीं भर सके। रजनीकांत कबाली नामक गैंगस्टर बने हैं जिनके कुछ उसूल हैं। वे देह व्यापार और ड्रग्स के खिलाफ है। मलेशिया में उनका साम्राज्य है। 43 गैंग्स को कबाली की यह बातें पसंद नहीं आती। वे कबाली की गर्भवती पत्नी रूपा को मार देते हैं और कबाली को 25 साल की जेल हो जाती है। 25 वर्ष बाद कबाली जेल से छूटता है और 43 गैंग्स से अपना बदला लेता है। मनमोहन देसाई की फिल्मों की तरह उसे पता चलता है कि न केवल उसकी पत्नी जिंदा है बल्कि उसकी अपनी बेटी भी है। इस साधारण से रिवेंज ड्रामे को रंजीत ने लिखा है। उतार चढ़ाव विहीन स्क्रीन प्ले में इतने बड़े बड़े छेद हैं कि हाथी भी निकल जाए। मलेशिया की सड़कों पर खून खराबा होता रहता है और पुलिस फिल्म की शुरुआत और अंत में ही नजर आती है। कबाली की पत्नी अपने पति से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करती? इस तरह के कई प्रश्न दिमाग में उठते हैं। चलिए, महानायक रजनीकांत की फिल्म है इसलिए तर्क वितर्क की बातें जाने देते हैं, लेकिन रजनीकांत की फिल्म में जो स्टाइल, एक्शन, रोमांच होता है वो भी यहाँ से नदारद है। क्लाइमेक्स में ही रजनीकांत को हाथ खोलने का मौका मिला है। फिल्म में फैमिली ड्रामा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है और दर्शकों को भावुक करने की गैर जरूरी कोशिश की गई है। अच्छा, आप गैंगस्टर कैसे बने? निर्देशक के रूप में भी रंजीत असफल रहे हैं। वे कहानी को ठीक से पर्दे पर नहीं उतार पाए। रजनीकांत के स्टारडम का उपयोग भी नहीं कर पाए। रजनीकांत की चमक से ही वे चूंधिया गए और यह बात भूल गए कि मनोरंजक फिल्म बनाने के लिए क्या जरूरी होता है। फिल्म पर उनकी पकड़ कहीं नहीं दिखाई देती। फिल्म की गति इतनी धीमी है कि सिनेमा हॉल से आप 10 मिनट बाहर घूम भी आए तो आपको कहानी जहाँ की तहाँ मिलेगी। रंजीत का प्रस्तुतिकरण किसी बी ग्रेड फिल्म की तरह है। रजनीकांत पर उम्र हावी हो गई है, वे कमजोर भी नजर आए। हर दृश्य को उन्होंने स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है। वर्षों बाद अपनी पत्नी से मिलने वाले सीन में उनका अभिनय देखने लायक है। राधिका आप्टे का रोल ज्यादा लंबा नहीं है, बावजूद इसके वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। टोनी ली के रूप में विंस्टन चाओ अपनी खलनायकी दिखाते हैं। धनसिका ने फिल्म में कबाली की बेटी का किरदार निभाया है। उनकी फिल्म में एंट्री तो जोरदार है लेकिन बाद में उनके रोल का ठीक से विस्तार नहीं किया गया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। संपादन बहुत ढीला है और कई जगह निर्देशक पर संपादक हावी होने लगता है। गाने याद रखने लायक नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक से कान और सिर में दर्द हो सकता है। कबाली का तकिया कलाम है बहुत खूब, लेकिन मजाल है जो आपके मुंह से ये शब्द फिल्म देखते समय एक बार भी निकल जाए। बहुत ही निराश करती है कबाली। इस फिल्म को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ।